अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ एसी सर्किट। तो मान लो एसी करंट का फंक्शन ही है, एसी वोल्टेज का फंक्शन ही है। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, जहाँ पे आई नॉट करंट की पीक वैल्यू है, वी नॉट वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस पावर कितना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन किया गया है कि वोल्टेज इंटू आई, इट इज़ द इंस्टेंटेनियस पावर। और कोई पूछे कि एवरेज पावर कितना है, तो आप इसी पावर का एवरेज निकालेंगे। तो इस फंक्शन का वोल्टेज का फंक्शन है और करंट का फंक्शन है, तो जो एवरेज पावर आएगा वो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव को रिप्रेजेंट करता है। वी आर एम एस कैसे निकलेगा, वी नॉट अपॉन रूट टू से। आई आर एम एस कैसे आएगा, आई नॉट अपॉन रूट टू से एंड कॉस डेल्टा फाइव, कॉस फाइव। और फाइव किससे आएगा, वो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है, तो इसमें से घटाएंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, फाइव वन माइनस फाइव टू इज दिस फाइव इज। तो अभी मैं इसका प्रूफ अभी बताता हूँ आपको। एक्चुअल में पावर का मतलब है कि सर्किट किस रेट से एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ये पावर है। तो किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, डिवाइस किस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो क्या है, पावर है या कंज्यूम कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर भी आई को रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज पावर इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एनर्जी रेडिएट नहीं बोलना, किस रेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, ये पावर है एक्चुअल। तो पावर को मैंने रिप्रेजेंट किया वी आई से, इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर को मैं इससे रिप्रेजेंट किया, और अभी मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि इससे ये कैसे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, जैसे कुछ टर्म्स ये लिखेंगे कि आई नॉट कॉस फाइव, मतलब ये वाला फाइव, इसको बोल कॉस फाइव, कॉस फाइव नहीं, आई नॉट साइन फाइव। आई नॉट साइन फाइव को एक नाम देते हैं, बोलते हैं वाट लेस करेंट, वाट लेस करेंट, वाट लेस करेंट। मतलब अगर मैं वोल्टेज को रिफरेंस की तरह से लूँ, तो करंट का अगर ऐसा है तो दोनों के बीच एंगल क्या है, फाइव है, क्योंकि इसमें से आपने घटाया है तभी तो फाइव आया है। तो इस करंट के दो कंपोनेंट हैं, एक इसके डायरेक्शन में आएगा जो कि आई नॉट कॉस फाइव बनेगा, और दूसरा बनेगा आई नॉट साइन फाइव। तो जो पावर आ रहा है, एवरेज पावर जो आ रहा है, वो भी आ रहा है आई आर एम एस कॉस फाइव से आ रहा है ना, तो भी और कॉस फाइव ये सेम डायरेक्शन जा रहा है। तो इस वाले करंट जो कि वोल्टेज के परपेंडिकुलर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं वाटलेस करंट बोलते हैं। तो आपको ये टर्म्स याद रखना है कि कोई पूछे इंस्टेंटेनियस पावर बताइए तो आप ऐसे निकालेंगे, कोई पूछे एवरेज पावर बताइए तो आप ऐसे निकालेंगे, कोई पूछे आपसे कि वाटलेस करंट कितना होता है तो आप इसको बोलेंगे कि वाटलेस करंट। अच्छा, इसमें जो फाइव है ना, फाइव, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। और ये जो कॉस फाइव है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो अलग से आप याद रखेंगे, कोई पीछे पावर फैक्टर बताइए तो पावर फैक्टर इज व्हाट, इट इज कॉस फाइव। पावर फैक्टर एंगल आप समझ गए, फाइव है, पावर फैक्टर क्या है, कॉस फाइव है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा। तो जैसे एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कोई क्या है कि करेंट का फंक्शन दिया गया टू साइन पाई टी प्लस 30 डिग्री, और वोल्टेज का फंक्शन दिया गया 4 साइन पाई टी प्लस 60 डिग्री। मैं पूछ रहा हूँ फाइंड पावर एंड एवरेज पावर, एवरेज पावर। अच्छा, फाइंड पावर एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड फाइंड एंड देन फाइंड एवरेज पावर। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। पहला क्वेश्चन है फाइंड पावर एट टी बराबर 0 सेकेंड, एंड दूसरा फाइंड एवरेज पावर ऑफ दिस डिवाइस जिसके अक्रॉस वोल्टेज इतना है और करंट उसमें इतना चल रहा है। तो सॉल्व करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस पावर पी क्या होगा, भी इंटू आई होगी, तो भी का फंक्शन, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा 8 साइन पाई टी प्लस 60 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन पाई टी प्लस 30 डिग्री बनेगा। और इस फंक्शन में क्या करना है, टी के जगह पे 0 प्रेस करना है, तो टी के जगह पे 0 प्रेस कर दीजिए तो बनेगा 8 टी के पे 0 तो साइन 60 इट इज रूट 3 अपान 2, और टी के पे 0 तो साइन 30 इट इज 1 अपान 2। तो
तो वैल्यू क्या आ गई 2√3 वाट बन गया। और एवरेज पावर अगर आपको निकालना है तो क्या होता है Vrms Irms cos phi, तो Vrms पीक वैल्यू 4 है ना, 4/√2 Vrms बनेगा और Irms क्या बनेगा 2/√2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। फाइव क्या, 5/1 − 5/2 है, तो आप इसको इसमें से घटा दीजिए 60 − 30 कितना आएगा 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 से 2 कटेगा, ये 4, तो ये बनेगा ये √3/2, तो ये अगेन आएगा 2√3, तो 2 से 2 कट गया और √3/2 2√3। ये हमेशा बराबर नहीं आता है, इस केस में आ गया। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए एवरेज पावर कितना है, ठीक है, तो आप ऐसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर तो आप ऐसे निकालेंगे। हाँ, एसी सर्किट में अगर ऐसा दे दे या कोई पूछे फाइंड द एवरेज पावर और टाइम इंटरवल ना दे, एवरेज पावर कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है कि कहे कि वोल्टेज का फंक्शन है या करंट का फंक्शन है, इस डिवाइस का पावर बताइए, बस इतना लिखिए पावर बताइए, तो डिफॉल्ट केस का मतलब होता है एवरेज पावर बताइए। एसी सर्किट में डिफॉल्ट का मतलब है एवरेज पावर, पावर के केस में एवरेज पावर। कोई पूछे एसी सर्किट में करंट बताइए, तो उनका मतलब है डिफॉल्ट केस में आरएमएस करंट। कोई पूछे एसी सर्किट में वोल्टेज बताइए और टाइम ना बताए, तो डिफॉल्ट मतलब क्या है आरएमएस वोल्टेज बताइए। चलिए, फिलहाल हमने ये क्वेश्चन अटेम्प कर लिया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं कि ये सही इससे कैसे आ रहा है। तो चलिए हम लोग एक सिंपल इक्वेशन लेंगे, वी वर और वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आई के रूप में लिख लिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लिया। एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो कोई पूछे पावर कितना होगा, तो पावर क्या लिखेंगे, आई नॉट इंटू वी नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसको साइन ओमेगा टी रहने दीजिए, इसको साइन ए प्लस भी लगाइए, तो बनेगा साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इससे हो गया वी नॉट आई नॉट, और ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1/2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्यों, क्योंकि साइन थीटा कॉस बनेगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ये साइन 2 ए लिख लिया। समझ गए होगे क्या लिख रहा हूँ, मतलब इससे मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। आपको एवरेज पावर निकालना, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या होगा, इस फंक्शन का एवरेज, तो वी नॉट तो आई नॉट तो कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा और एवरेज इस पर लगेगा, तो ये जो फाइव है कॉस फाइव वो भी कॉन्स्टेंट है, कॉस फाइव क्योंकि ओमेगा टी प्लस फाइव में टाइम वेरिएबल है, फाइव तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉस फाइव तो बनेगा एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस 1/2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अच्छा, साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू मैं बता चुका हूँ 1/2 होती है, तो इससे एवरेज पावर की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट आई नॉट 1/2 इंटू कॉस फाइव। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो वी नॉट 1/√2 इंटू आई नॉट 1/√2 इंटू कॉस फाइव, तो पावर एवरेज क्या हो गया, दिस इज वी आर एम एस दिस इज आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये प्रूफ हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अगर पावर ऑफ एसी सर्किट पूछ रहा है आपसे, अब कोई पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर तो वी इंटू आई लिखेंगे, कोई पूछेगा एवरेज पावर तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव लिखेंगे, और फाइव क्या होगा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा, और आई नॉट साइन फाइव क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट बोलते हैं, और पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, कॉस फाइव को। ओके, और इस पर हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया और ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे।